देखिए अभी हम ना इस दीवार में आपको इसमें सिर्फ पानी डाला हुआ है, तो आपको टेस्ट कराऊँ आपको। बिल्कुल प्रॉपर वर्क कर रहा है देखो। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको एक बेस्ट टेक्निक दिखाने वाला हूँ, आप घर में स्प्रे पेंट कैसे बना सकते हैं। जैसे कि जो अभी हम दुकानों में जाने पड़ता है वो स्प्रे बना करके वही हम लगाएंगे, तो ये 100-150 रुपये की आती है, तो ये ख़त्म हो जाती है, तो ये महंगी काफ़ी पड़ती है। तो कई क्या करते हैं कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको हम दोबारा रिफ़िल करेंगे। कैसे रिफ़िल करेंगे मैं आपको बताऊँगा। तो कई मैंने यूट्यूब में वीडियो भी देखी हैं, तो कई क्या करते हैं प्लास्टिक की बोतल ले करके यहाँ पर वो फिर यहाँ पर उसमें यहाँ पर प्रेस लगा कर उसमें ऐसे लगाते हैं, तो उसमें डर होता है कि यहाँ पर एक बार बोतल है वो फट भी सकती है आपके ऊपर, आँखों में मुंह में रंग वगैरह वो फट सकता है, जहाँ पे भी आप अपनी गाड़ी में लगा रहे हो या फिर उसमें जो प्रेशर होता है प्लास्टिक की बोतल में फटने की वजह से आपकी गाड़ी सारी ख़राब हो सकती है और आपने रिस्क नहीं लेना है। तो इस ऐसी कोई बोतल पुरानी आपने ले लेनी है, ऐसे कि मैंने एक बोतल ले ली है, तो ये देखिए। तो इसमें हम आपको दिखाएंगे कि क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी हमको। तो पहले मैं आपको दिखाता हूँ, वीडियो फुल देख लेना क्योंकि वीडियो आपके लिए काम में आने वाली है। अभी टाइस भी टायर शॉप में चला गया था, रिपेयर शॉप में, टायर शॉप में जो पंचर वगैरह लगाते हैं, तो वहाँ से मैंने एक नलकी ली है। आपने कोई भी साइकिल की, बाइक की, कार की कोई भी नलकी ले लेनी है, और आगे से पीछे से मैंने काट दी है क्योंकि यहाँ पे पीछे लगी होती है। तो इसको हम यहाँ पे एक होल कर लेंगे, यहाँ पे एक होल करेंगे, उसमें लगा देंगे। तो इसको मैं ड्रिल से होल करता हूँ, ये देखिए। तो गाइस अभी हम ये ड्रिल की वजह से यहाँ पे एक होल करेंगे, तो ये देखिए यहाँ पे होल कर लेते हैं। गाइस मैंने इसमें प्रॉपर होल कर लिया है, ज़्यादा आपने लूज़ नहीं करना, ध्यान रखना है लूज़ ना हो पाए। तो थोड़ा सा इसमें घुमा के इसको मैं लगा दूँ, पूरा प्रॉपर होल हो गया। देखिए मैंने इसको पूरा फिट कर दिया प्रॉपर, और अब ही हम इसमें एम सील, मैंने एक ये साथ में एक वाशल आती है उसको मैंने हल्का सा ऐसे बेंड किया है, ये देखिए। तो बेंड करने की वजह से यहाँ पे जो साइड में ये देखिए ऐसे ही उसको मैं प्रॉपर फिट करूँगा। अभी एम सील लगाऊँगा, पहले एम सील लगाऊँगा ना फिर ऊपर फिट करूँगा। आपको एक चीज़ दिखाना चाहता था कि यहाँ पर ये ऐसे प्रॉपर फिट हो जाएगी, तो ये दबाव बना रहेगा इसमें और प्रेशर नहीं लूज़ होगा। तो पहले हम एम सील लगाएंगे, तो मैंने पहले आपको दिखाना था ये ऐसे वाशल आपने थोड़ा सा राउंड घुमा देनी है, साथ में वाशल मिलती है। तो गैस अभी हम इसको यहाँ पे प्रॉपर हमने फिट कर दिया है, अंदर वाशल दे दिया है, और इस पर हम भी टाइट करेंगे एक नट से। ऐसा हल्का सा अभी थोड़ी सी गीली है, तो हम इसके हल्का सा दबाव बनाएंगे क्योंकि यहाँ पे वाशल दी हुई है हमने सपोर्ट के लिए, तो उसको हम थोड़ा सा टाइट करेंगे। हल्का सा टाइट करेंगे क्योंकि ये प्रेशर लूज ना हो और जो एम सील है वो अंदर पकड़ कर जाए। थोड़ी सी और टाइट करेंगे। गाइस नेक्स्ट डे हो चुका है, तो अभी हमने इसका जो है बिल्कुल जो एम सील हमने लगाई थी बिल्कुल प्रॉपरली जो है फिक्स हो चुकी है। अभी इसमें हम एक वाल लगाएंगे और इसमें अभी हम टेस्ट करेंगे, एक ओनली एयर टेस्ट करेंगे, और अभी हम देखेंगे कि किसी जगह से लीक तो नहीं है एयर, और अभी टेस्टिंग करते हैं इसकी वाल लगा के, ओनली एयर टेस्ट करते हैं यहाँ से निकाल के एयर। इसकी नोजल बहुत ज़्यादा बारीक होती है, इसमें पानी नहीं जा पाएगा, तो उसके लिए आपने क्या करना है, तो मैंने क्या किया एक पेन का यहाँ पे जो रिफिल होती है उसको काट लिया, तो यहाँ पे इसमें ऐसे मैंने कर दिया क्योंकि इसके बीच में बिल्कुल प्रॉपर चली जाएगी तो फिर ही पानी अंदर जा पाएगा, वरना इसका पानी है वो अंदर नहीं जा पाएगा। ऐसे करके हम इसमें पानी डाल देंगे, एक बोतल में पानी भरते हैं, तो इस बोतल में मैंने पानी फिल किया है, तो यहाँ पर मैंने लगा लिया है रिफिल, ठीक है। इसमें हम इसे ऐसे लगाएंगे,
ठीक है, थोड़ा इतना सा पानी लिया मैंने, अभी इसमें हम ऐसे फिल करेंगे। तो इसमें पानी जाना शुरू हो गया गाइस, जो सारा पानी था मैंने इसमें फिल कर दिया, देखो सारा फिल हो चुका है। ठीक है, तो उसमें हम एक वाल लगाएंगे, ये देखिए वाल लगा रहे हैं हम एक, इसमें हम इसको वाल लगा के इसको टाइट कर देंगे ऐसे, अच्छे से टाइट कर देना, टाइट हो चुका है। अभी हम इसमें गाइस, इसमें भी हमने पानी वगैरह फिल कर दिया है, ऊपर रिफिल भी यहाँ पे हमने कर दी है, वाल लगा दी है। अभी इसमें हम एक पंप की हेल्प से हम इसमें एयर फिल करेंगे। अभी हम ना इस दीवार में आपको इसमें सिर्फ पानी डाला हुआ है, तो आपको टेस्ट करके दिखाते हैं, कोई भी लीकेज वगैरह बिल्कुल भी नहीं है। देखिए ना ही किसी से एयर लीक कर रही है, ना कोई पानी लीक कर रहा है, देखो बिल्कुल प्रॉपर है। इसको मैं यहाँ पे चलाकर दिखाता हूँ आपको, ये देखो थोड़ा सा इसका जो है आगे से माउथ है वो थोड़ा सा हल्का सा प्रॉपर करने वाला है, ये देखिए, और ये देखो, ये देखिए, देखो यहाँ पे देखिए, होल मैंने इसी से यहाँ पे जो है गीली कर दी, देखो प्रेशर चेक कराऊँ आपको, बिल्कुल प्रॉपर वर्क कर रहा है, देखो ये देखिए, ऊपर से क्लीन करूँ मैं इसको, बस फोकस करके आपको चेक कराता हूँ, ये देखिए दोस्तों मेरे पास ना एक येलो कलर पड़ा हुआ है, काफ़ी पड़ा हुआ है इसमें, तो इसमें हम इसमें रिफिल करते हैं, तो एक यहाँ पे इसमें लगा के इसमें यहाँ पे फिल करेंगे। तो पानी से तो मैंने एक बार आपको टेस्ट करवा दिया, तो अभी हम इसमें कलर से टेस्ट करते हैं। ठीक है, तो इसके हम पहले इसमें बोतल में कलर डाल लें, फिर आपको दिखाते हैं थोड़ा सा हल्का सा इसको, ये थोड़ा सा गाढ़ा कलर है, इसको हम थोड़ा सा पतला करेंगे। हमारे पास यहाँ पे ये यूज़ कर सकते, तारपीन का तेल है मेरे पास, ठीक है, मिट्टी का तेल या फिर तारपीन का तेल आप यूज़ कर सकते हैं, वो मैं यूज़ कर लूँगा। इसको फिल करते हैं, पहले इतना सा मैंने कलर फिल किया, और एक या दो ढक्कन इसमें मैं थिनर या फिर पेट्रोल कोई भी आपका हो उसमें यूज़ कर सकते हैं। मैं इसमें थोड़ा सा एक या दो ढक्कन इसमें ये जो है थीनर या पेट्रोल या फिर कोई भी आप कोई भी तारपीन का तेल, मिट्टी का तेल कोई भी यूज़ कर सकते हैं। इस मिट्टी का तेल मैंने इसमें फिल कर लिया, तो इसको थोड़ा सा हल्का सा घुमाऊंगा, घुमा करके इसको मैं यहाँ पे फिल करूँगा। यहाँ पे थोड़ी सी लाइट दिखा देते हैं, यहाँ पे हल्का सा मैं आपको लाइट में दिखाता हूँ, तो इसको यहाँ पे फिल करते हैं, यहाँ पे प्रेस कर लो हल्का सा, कलर धीरे धीरे फिल हो रहा है हमारा, कि थोड़ा हल्का, ये जो कलर होता है वो गाढ़ा होता है, पानी की यहाँ पे थोड़ा सा पतला होता है, जल्दी जल्दी जाता है, ये हल्का हल्का धीरे धीरे जाएगा। गाइस कलर ना बिल्कुल फिल हो चुका है, थोड़ा सा कलर मैंने गाढ़ा रख लिया था, आपने थोड़ा सा कलर पतला कर लेना है, क्योंकि इससे बहुत टाइम लग जाएगा, 10-15 मिनट मुझे लग गए, क्योंकि कलर मैंने मतलब काफ़ी गाढ़ा रखा था, थोड़ा सा आपने पतला कर लेना कलर, और थोड़ा सा थिनर डाल करके पेट्रोल डाल कर कोई भी, तो इसमें 10-15 मिनट लग गए मुझे, तो मैंने इतना सा इतना डाला था, तो एक दो ढक्कन मैंने इसमें फिर थिनर फिर डाल दिया, ठीक है, मिट्टी का तेल डाल दिया, तो इतना सा मैंने डाला है, इतना डालना है आपने, ज़्यादा नहीं डालना, फिर पूरा फिल नहीं करनी, इतना सा डालना है बस, ये बोतल देख लो आप, इतनी सी डालनी है बस, ज़्यादा नहीं डालना, फिर ये प्रॉपर एयर के साथ वर्क नहीं करेगा। ठीक है, उसमें अभी हम इसमें ये वाल वगैरह फिट करते हैं, थोड़ा सा इसको मैं क्लोथ से साफ़ कर लेता हूँ, क्योंकि इसके जो है वो
प्रॉपर फिटिंग प्रॉपर होगी, वरना ये यहाँ पे ये जो दोबारा हमको निकालना पड़ेगा क्योंकि कलर दोबारा फिल करना फिर नीचे चिपक जाएगा यहाँ पे बोल्ट में। ठीक है, इसको आप क्लीन कर लो। क्लीन तो कर लिया आपने, इसमें हम ये फिल करेंगे यहाँ पे और इसका यहाँ पे फिट कर देंगे किस में। इधर गया था